हाय, मैं स्वाति आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपने YouTube चैनल लेट्स फ्लाई में। आज जो हम चीज का रिव्यू करने वाले हैं वो आपके घरों में डेफिनेटली मौजूद होगा और वो है टपरवेयर। अरे अरे अरे, रुकिए, मुझे पता है आप सभी के घर पे ये नॉर्मली लाइक फ्रीज के कंटेनर, फ्रीजर के कंटेनर या ड्राई स्टोरेज बॉटल्स जो है वो हर किसी के यहाँ पर अवेलेबल है। बट रुकिए, रिव्यू पूरा देखिए, चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। तो चलिए चालू करते हैं आज का रिव्यू जो है टपरवेयर से ही रिलेटेड। बट मैं इस रिव्यू में आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो खरीदने के पहले हम थोड़ा सा सोचते हैं, बिकॉज इनकी कॉस्ट जो है थोड़ी हाई होती है। पर मैं बताना चाहूंगी, कॉस्ट अगर थोड़ी हाई भी है तो भी आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज कीजिए, बिकॉज टपरवेयर आपको देता है लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट। तो अगर इनके साथ में कुछ भी हो जाता है तो डेफिनेटली आपको रिप्लेसमेंट या फिर आपको ये प्रोडक्ट का जो है अगर ढक्कन चेंज करना है तो सील जो है वो चेंज करके मिल जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस डेफिनेटली अप्लाई होती है, बट आपका पैसा जो है वो वेस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो रिव्यू दे रही हूँ वो है ये एक 3 लीटर का बॉक्स है जिसमें आप लहसुन रख सकते हैं, जिसमें आप प्याज रख सकते हैं, जिसमें आप बटाटे रख सकते हैं, आलू रख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर अभी मैंने प्याज रखा हुआ है, आप प्याज को रखकर यहां से पैक कर दीजिए। ये पैक हो गया, यहां से आप इसको निकाल सकते हैं। ये यूज करने के लिए, अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो ये यूज करने के लिए है। देखेंगे यहां जाली है तो प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो बना रहता है। एक के ऊपर एक आप 2-3-4 जो है बॉक्सेस इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख सकते हैं, तो क्या है ना, स्टोरेज भी हो जाता है और जगह भी आपको छोटी लगती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये बच्चों से रिलेटेड है। ये मैं अनपैक कर रही हूँ, इसको अनपैक करते करते मैं आपको ये भी बता दूं कि प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज आप भले ही किसी भी उम्र के हो, कोई भी जेंडर हो, आज जो मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी उसमें से सभी प्रोडक्ट्स जो है, या मैं आपको बोल सकती हूँ कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट्स जो है वो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये मेरा एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये एवेंजर का जो है वो बॉक्स है, टिफिन लंच बॉक्स और सिपर है। तो अभी यह देखिए ये जो बॉक्स है इसको मैं ओपन कर रही हूं। इसमें कुछ स्पून्स हैं जो मैंने एक्स्ट्रा मंगवा के रखे हैं, आपको 2 मिलता है। अगर आपका ड्राई स्टोरेज आप रखना चाहते हैं तो ड्राई करके ये कर सकते हैं, अगर आपका कुछ सब्जी उब्जी है या सॉस वगैरह है तो ये आप बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। बच्चों को ढूंढने के लिए ये बहुत इजी होगा बिकॉज एवेंजर है, तो मतलब अगर बहुत सारे टिफिन भी है टपरवेयर का, एवेंजर जो है वो बच्चों को फाइंड आउट करने के लिए इजी हो जाता है। तो ये है हमारा सेकेंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है अगर आप देख रहे हैं तो ये दिख तो आपको एकदम डब्बे की तरह रहा होगा, अगर मैं आपको बताऊं इसके यूसेज जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप इसका साइज देखेंगे, ठीक है, ये जो साइज है ये बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। अभी मैंने इसके अंदर टोस्ट रखे हुए हैं, बिकॉज टोस्ट जो है वो बड़े पैकेट में आते हैं और एक साथ किसी एक डब्बे में निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा टोस्ट जो है वो बहुत जल्दी जो है टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, चूरा चूरा हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने अभी ये निकाल के रखा है, बट इसका सबसे बेस्ट यूज जो है वो हमारे बड़े साइज के जो पापड़ होते हैं उसके लिए होता है। पर्सनल बता रही हूँ मैं आपको, बहुत टाइम तक मैंने अपने अगर बड़े साइज के पापड़ हैं तो वो कैडबरी या फिर जो चॉकलेट के पैकेट्स आते थे बड़े वाले उसके बॉक्सेस में रखती थी। अभी मुझे ये फाइनली बॉक्स मिला है जिसके अंदर मैं बड़े साइज के जो है वो पापड़ रख सकती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ। ये जो प्रोडक्ट है अगर आप देख रहे हैं तो एक बाउल की तरह प्रोडक्ट दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट का क्यों मुझे रिव्यू दे रहे हैं, बट अगर आप इसका डिजाइन देखेंगे, इसके कलर्स देखेंगे तो ये जो है ये बहुत ही बेनिफिट है। देखिए इसका जो आप अगर डायमीटर देख रहे हैं ये, तो आप इसके अंदर जो है अगर आप यहाँ पर बच्चे हैं तो पिज्जा पास्ता खा सकते हैं, अगर आप सिंगल रह रहे हैं हॉस्टल में रह रहे हैं तो इसके अंदर तो एक्चुअली आप कुछ भी खा सकते हैं। आप सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, इसके अंदर आप पोहा उपमा कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं स्पेशली, अगर आपको जो थोड़ा सा दूध गर्म करना है जिसके अंदर आपको कॉर्नफ्लेक्स रखना है, ऐसा का ऐसा उठाइए, दूध डालिए, माइक्रोवेव में रख दीजिए, प्रॉपरली आपका हीट होकर आ जाएगा, कॉर्नफ्लेक्स डालिए और आप डायरेक्टली ये रेडी टू सर्व हो जाएगा। तो आप इसके अंदर कोई भी चीज जो है खा सकते हैं। अभी मेरे यहां पर मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं
तो मेदू वड़ा जो है वो इसमें खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं हम, बिकॉज एक ही छोटी सी प्लेट में आपका पूरा काम हो जाता है, प्लस मैगी है, पास्ता है, ये सब खाने के लिए ये परफेक्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मे बी ये आप लोगों के यहाँ पर बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, फिर भी मैं ये प्रोडक्ट बता रही हूँ बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये देखिए, ये दो कप है तो मैंने लेकर रखे हैं स्पेशली, इनको आप माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं, इसमें आप ठंडा गर्म कुछ भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली इसके कलर्स जो हैं और इसका डिजाइन जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसीलिए ये प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ। आपके यहाँ पर अगर बच्चे हैं तो स्पेशली मैं बता दूँ, नॉर्मली बच्चों को इस तरीके से पकड़ने की आदत होती है अपना दूध का कप वगैरह, जहां पर आप नॉर्मल अगर चीनी का कप लेंगे तो वो आप बच्चों को ये हाथ पर बहुत ज्यादा गर्म रखता है, पर टबरवेयर का एक बेनिफिट यहाँ पर यह है कि दोनों हाथ से बच्चा प्रॉपरली कप को जो है वो होल्ड कर सकता है, अगर आप दूध दे रहे हैं या कुछ भी गर्म पीने के लिए दे रहे हैं, सूप दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है इसके अंदर प्रॉपरली वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जो है वो होल्ड कर सकता है। तो ये है हमारा ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको दो प्रोडक्ट अभी एक साथ बताने वाली हूँ, तो मेरा पहला प्रोडक्ट है ये और दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको ओपन कर देती हूँ। ये दोनों जो है वो एक ये थर्मस है और ये अगेन एक ये थर्मस है। अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर अभी जैसे कि कोरोना के बाद में डेफिनेटली हमारे ऑफिसेज ओपन हो जाएंगे और आप जो है ऑफिस में ब्रेकफास्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट देखिए, ये जो है इसके अंदर आप मैगी रख सकते हैं। अगर आप कुछ भी गर्म चीजें रखना चाहते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, मैगी हो गया, पोहा हो गया, उपमा हो गया, ये सारी चीजें आप फूड आइटम इसके अंदर रख सकते हैं। थर्मस जो है अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो देखिए, ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है, इसके ऊपर ये जो है ये जाली लगी हुई है, तो अगर आप इसमें कुछ भी भरते हैं जैसे कि दूध, चाय, कॉफी, आप जब इसको निकालेंगे यहाँ पर ये जाली के थ्रू जो है मलाई पूरी तरीके से निकल जाएगी, कप के अंदर आपको पूरा जो है कॉफी या दूध जो है ये मिलेगा। ये दोनों प्रोडक्ट जो है ये अगेन मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, इसको आप ऑफिस में लेकर जा सकते हैं, अगर आप आपका ब्रेकफास्ट लेकर जा रहे हैं, आप पिकनिक पर जा रहे हैं, छोटी ट्रिप है, या आपके यहाँ पर बच्चे हैं जहां पर आप फूड कुछ कैरी करना चाहते हैं, छोटा छोटा सा है, कैरी करने के लिए बहुत ज्यादा ईजी है और कॉस्ट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है। नॉर्मली भी हम थर्मल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कैरी करने के लिए तो ऑन एन एवरेज सेम कॉस्ट आता है, जिसके बारे में मैं डेफिनेटली कॉस्ट पे मैं आऊंगी आगे की वीडियो में, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, तो प्लीज मेरा वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। अब जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ अगेन वो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अभी तक निकाला नहीं है, बट हाँ इस का जो प्रोडक्ट फीचर्स हैं मैं अलग सिंगल बॉक्सेस में ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। सबसे पहले दो लेयर का है, आप हैंडल लगा सकते हैं, कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, ये देखिए ये ऐसा हैंडल लग जाएगा, आप कहीं पर भी इसको कैरी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको ये जो सील है आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं, अगर आप दाल चावल कुछ भी पकाना चाहते हैं तो ये वाला जो है सीटी वाला जो फीचर होता है वो इसके अंदर एक सील में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक सील ऐसा अवेलेबल है। ये दोनों बॉक्सेस हमारे हो गए अलग अलग, एक नॉर्मल सील है, अगर आप कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं तो ये सील लगाकर आप इसे स्टोरेज भी कर सकते हैं। सो बेसिकली अगेन मल्टीपर्पज है, आप इसको माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं, दाल चावल पकाने के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी अगर आपको लेकर जाना है तो हैंडल दिया हुआ है, कैरी कर सकते हैं, इजी टू हैंडल है। अगेन पिकनिक में जाना है या कोई टिफिन पार्टी है, आपको ज्यादा फूड कैरी करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए, मैं बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है बट इतना यूजफुल है कि मतलब मैं शायद आपको दो या तीन चीजें बताऊं बट आप इसके और बहुत सारे जो है वो यूसेज आप कर सकते हैं। देखिए छोटी सी डब्बी है, ओपन करके दिखा रही हूँ, माइटी मेजेट अगर देखें हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के यहाँ पर होगी, छोटी सी डब्बी है, इसको ये बंद कर दिया मैंने और यहां से अगेन वन ओपनिंग। तो मेरे यहाँ पर अभी मैं इसको यूज कर रही हूँ टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, आप देखेंगे कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत कलर है, मेरे लिए तो एकदम फेवरेट कलर है। मैं अभी ये डाइनिंग टेबल पे यूज करती हूँ, नमक, काला नमक, ये सारी चीजें, चाट मसाला वगैरह रखने के लिए। अगर किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि आपने सब्जी में नमक मिस कर दिया है, डालिए इसको पर्स में, लेकर जाइए ऑफिस, पिकनिक पर जा रहे हैं, चार चीजें भरिए, मे बी नमक, मिर्ची, हल्दी और ऐसा का ऐसा आप इसको कैरी कर सकते हैं।
एयर टाइट है, लिक्विड टाइट है, कहीं पर भी कुछ भी लीकेज नहीं होगा। टपरवेयर का प्रोडक्ट है, आप सब जानते हैं कि अगर एयर टाइट और लिक्विड टाइट उन्होंने बोला है तो डेफिनेटली ये वैसा ही होगा। तो ये अगेन एक छोटी सी चीज है बट मल्टीपर्पज चीजें हैं, वॉश करने के लिए बहुत ही इजी है, जल्दी जल्दी सामान खत्म हो जाता है तो साफ रहती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो देखिए यहां पर है, हम इसको ओपन करके दिखा रही हूं मैं आपको। यहां पर आपने भर दिया पूरा, बहुत ही इजी है यूज करने के लिए, कहीं गोल घुमाने की जरूरत नहीं, बच्चों के लिए भी बहुत इजी है। आपको जस्ट इसको प्रेस करना है और आपको क्रश करके यहां से जो है वो मिल जाएगा। इसका कॉस्ट जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है बट अगेन लाइफ लॉन्ग चीज है, तो मैं बताऊंगी आपको कि ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको ये कहीं मिले, बिकॉज ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, पर अगर आपको कहीं अवेलेबिलिटी मिल जाती है तो आप प्लीज इसको परचेस करके जो है वो रख लीजिए। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताऊंगी कि जो मेरे किचन में से है, डेली एसेंशियल है, माइंड भी इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स डेफिनेटली आपके पास में होंगे, अगर नहीं है तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो आप परचेस कर ले। सबसे पहले है ये एक फालूदा का ग्लास, ठीक है, बच्चों के लिए इजी है बहुत, ऐसा मेरा चार का सेट है, बहुत ही इजी टू हैंडल है, ये आप ले सकते हैं, कहीं गिर गिर जाता है तो भी आपको टूटने का जो है कोई डर नहीं है, नॉर्मली हमारा क्रॉकरी के साथ में ऐसा इशू होता है। दूसरा है ये ग्लास, ये भी अगेन मेरे पास में चार का सेट है, इसके ऊपर मेन इसका जो फीचर है ढक्कन है, आपके यहाँ पर कोई भी मेहमान आते हैं, आप पानी रखते हैं ट्रे में, आप प्लीज उसको ढक के रख दीजिए, तो ये एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास में, जैसे कि स्पैटुला है, बटर नाइफ है, उसके बाद में अगर चीज ग्रेट करना है तो उसके लिए ये प्रोडक्ट है, ये एक छोटे छोटे प्रोडक्ट है, इसेंशियल में आते हैं हमारी डेली नीड्स के लिए। ये एक बॉक्स है जो कि बहुत ही एक्चुअली यूजफुल है, देखिए इसके अंदर दो पार्टीशंस हैं, तो एक में मैंने कांदा लहसुन का मसाला भर के रखा है, एक में मैंने गरम मसाला करके रखा है, एक डब्बा निकाला तड़का देने के पहले और आपका काम जो है वो हो जाता है। इसके अलावा ये एक और चार का सेट है मेरे पास में, जिसके अंदर मैंने सभी तरीके की सुपारियां वगैरह भर के रखी है, सो भी आंवला सुपारी इसके अंदर भरी हुई है। ब्रेड रखने के लिए है, ब्रेड रखने का मैंने बड़ा लेकर रखा है, बहुत ही इजी है, आप इसके अंदर ब्रेड रख लीजिए। नॉर्मली जो ब्रेड सूखने उखने का प्रॉब्लम रहता है या हम अवॉइड करते हैं कि प्लास्टिक के अंदर उसको वैसा का वैसा रखें, तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक बॉक्स है, अगर आप देखेंगे इसको ऊपर एक सील है, ठीक है, ऊपर का सील है, आपने भर दिया इसके अंदर कुछ भी, नीचे जो है ये है, इसको आप ओपन कीजिए, यहां से जो है आप जो भी आपके इसमें कुछ भी फरसान भरा हुआ है, सेव चिवड़ा कुछ भी भरा हुआ, अभी मैंने इसके अंदर प्रकाश के नमकीन भरे हुए हैं, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है प्रकाश के नमकीन के बारे में, वो मैंने भरा हुआ है, डायरेक्टली आप इसमें से निकालकर और सर्व कर सकते हैं, हर बार आपको ये बड़ा सा सील ओपन करने की जरूरत नहीं है, अगेन ये एयर टाइट बॉक्स है। तो आप कोशिश कीजिए कि इनमें से कुछ जो है वो आप प्रोडक्ट्स डेफिनेटली परचेस करें और रखें आपके पास में। आप सभी को मेरा ये टपरवेयर का रिव्यू पसंद आया होगा, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे इसेंशियल्स के बारे में आपको बता सकूं जिनको लेने के पहले आप सोचते हैं, बिकॉज कॉस्ट वाइज जो है वो ज्यादा होते हैं। तो अभी आते हैं कि हम इसे कैसे परचेस कर सकते हैं और कॉस्ट की तरफ। सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्स दिए हुए हैं अमेजोन से परचेस करने के लिए, तो आप ट्राई कीजिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है वो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, आप लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर लेकर जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी सिटीज में जो है वो डीलर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, आपकी सोसाइटी वगैरह में भी अवेलेबल होते हैं या फिर शॉप्स भी अवेलेबल है टपरवेयर की। इसके अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप टपरवेयर की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर और लोकेटर जो है वो अवेलेबल है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। बट अगर आप उतना ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, अमेजोन हम हर कोई जानता है, डायरेक्टली अमेजोन का लिंक उठाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, और वहां पर आप इसके अलावा भी अगर कोई स्टोरेज वगैरह चीज खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वहां पर अमेजोन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा कोई टपरवेयर का स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो आप परचेस करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप रिव्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपको उसका जो है मैं व्यू दे सकूं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आपको वीडियो दे सकूं। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आएगा और मैं बहुत सारे रिव्यू देती रहती हूँ और देती रहूंगी,
तो प्लीज बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है रिव्यू का वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।